लगता है संजय राउत पर सितम का दौर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। जेल में बंद संजय राउत निकलने के लिए पिंजरे में बंद पक्षी की तरह तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, मगर शिंदे सरकार के एक फैसले ने राउत को कहीं का नहीं छोड़ा। जेल में जहां अकेलापन, मच्छर और गंदगी नहीं जीने दे रहे, वहीं अगर बाहर निकले तो जान को खतरा खड़ा हो सकता है। जी हाँ, संजय राउत जेल में ज्यादा सुरक्षित है बजाय जेल के बाहर। शिंदे सरकार के एक फैसले ने संजय राउत के साथ साथ नवाब मलिक समेत 15 नेताओं की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अगर संजय राउत नवाब मलिक जेल से बाहर निकले तो उनकी जिंदगी मुसीबत में आ जाएगी। हो तो ये भी सकता है कि उन दोनों को मार भी दिया जाए। ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे दोस्तों, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है। लिखित में सरकारी फरमान जारी हो चुका है। तो क्या है पूरा मामला? कैसे जेल से बाहर निकलते ही संजय राउत की जिंदगी को खतरा हो सकता है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले से घमासान मचा हुआ है। शिवसेना और एनसीपी के साथ ही कांग्रेस में भी खलबली मच गई है। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महाविकास अघाड़ी के 15 नेताओं की सुरक्षा को हटा दिया है। जी हाँ, सरकार ने 15 उन नेताओं की सुरक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया है जो कि महाविकास अघाड़ी से जुड़े हुए हैं। सरकारी आदेश में जारी हुई लिस्ट में सबसे पहला नाम संजय राउत का ही बताया जा रहा है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो जो आदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा हटाने का जारी किया गया है उसमें पहले नंबर पर संजय राउत का ही नाम है। इसके अलावा नवाब मलिक की सुरक्षा को भी सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। संजय राउत और नवाब मलिक के अलावा इस लिस्ट में 15 और नेताओं के नाम हैं। तो लिस्ट में वरुण सरदेसाई, छगन भुजबल, बाला साहब थोरात, नितिन राउत, नाना पटोले, जयंत पाटिल, सतेज पाटिल, विजय वेड्डीवाल, धनंजय मुंडे, भास्कर जाधव, नरहरि विहार, सुनील केदारे और डेलकर परिहर का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगता है कि इन सभी नेताओं को अब किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इसीलिए सरकार अब इनकी सुरक्षा पर अतिरिक्त फोर्स और पैसा दोनों ही व्यर्थ करना नहीं चाहती। इसीलिए सरकार ने सरकारी आदेश जारी करके इन सभी नेताओं की सुरक्षा को अब पूरी तरह से हटाने का फैसला ले लिया है और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। अब सुरक्षा हटाने का फैसला पूरी तरह सरकार का है और शिवसेना या एनसीपी के पास कोई भी वजह नहीं है कि वो इस फैसले का विरोध कर सकें। मगर फिर भी नाना पटोले ने सरकार के इस फैसले के विरोध में बयान दिया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी नेता के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हुई, अनर्थ हुआ तो उसकी जिम्मेदार शिंदे सरकार ही होगी। सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, विपक्षी पार्टी का व्यक्ति हो या आम आदमी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ही ये तय करती है कि वो किसी को सुरक्षा दे या ना दे, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना किसी के साथ भी ना हो, चाहे फिर वो नेता हो या फिर आम आदमी। सरकार ने हमारी सुरक्षा खत्म कर दी, हमारे पास इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि हमें सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मगर सरकार को भी ये तय करना होगा कि हम सबकी जिंदगी पर किसी भी तरह की आफत ना आए। नाना पटोले ने आगे कहा, अब अतीत में बड़े बड़े राजनेताओं के साथ क्या कुछ हुआ वो सब जानते हैं। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को किस तरह मार दिया गया ये सबके सामने है। भगवान चाहे तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, मगर किसी के साथ भी किसी भी तरह का अनर्थ हुआ तो हम इसके लिए पूरी तरह से शिंदे सरकार को ही दोषी ठहराएंगे। तो अब इस तरह का डर नेताओं के बीच में आने लग गया है। नेता बुरी तरीके से डरे हुए हैं। सुरक्षा हटाने के फैसले के बाद नेताओं का डर कुछ यूं निकलकर सामने आ रहा है। उन्हें राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसा हाल होने का संकेत मिल रहा है, इसीलिए सभी नेता बुरी तरह डरे हुए हैं। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, मगर शिवसेना और एनसीपी की तरफ से किसी भी नेता ने इस फैसले के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। मगर अब खबर है कि जेल के अंदर बंद संजय राउत सरकार के फैसले से बहुत निराश हैं। उन्हें डर है कि कहीं जेल से बाहर निकलते ही उनकी जिंदगी पर किसी तरह का खतरा ना आ जाए। अब किसी को भी सुरक्षा तभी दी जाती है जबकि उसकी जिंदगी को किसी भी तरह का खतरा होता है, और सुरक्षा हटाने का मतलब है कि उसकी जिंदगी पर फिर से खतरा बन चुका है। और इसी बात को सोच सोच के संजय राउत की जेल के अंदर हालत खराब हो रही है।
अब आगामी 2 नवंबर को संजय राउत की न्यायिक हिरासत खत्म होने जा रही है और इसी दिन राउत की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। अब जमानत मिलती है तो भी संजय राउत को परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब बिना सुरक्षा के ही संजय राउत को रहना होगा, और अगर जमानत नहीं मिलती है तो भी निराशा की ही बात है, क्योंकि उसके बाद फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो अब संजय राउत के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो चुकी है। वैसे शिंदे सरकार के सुरक्षा हटाने वाले फैसले पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बीएमसी समेत राज्य के कई महानगर पालिकाओं में आगामी दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक नया गठबंधन महायुति होने की चर्चाएं तेज हैं। इस महायुति गठबंधन में बीजेपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिंदे गुट शामिल होंगे। अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, मगर मराठी अखबारों में खबरें जोर शोर से चल रही हैं कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे आ जाएंगे और यही तीनों मिलकर महायुति बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के तकरीबन हर मराठी एडिशन में यही खबर छप रही है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र की सियासत में महायुति नाम का गठबंधन बनने जा रहा है। इस गठबंधन में एकनाथ शिंदे, बीजेपी और एमएनएस यानी कि राज ठाकरे शामिल होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की तर्ज पर ये महायुति बनाई जा रही है। अब अखबारों में तीनों पार्टी के नेताओं के इस मुस्कुराती तस्वीर ने तो जेल के अंदर बंद संजय राउत को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। दरअसल कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय राउत को जेल में अखबार पढ़ने की छूट है, इसीलिए राउत को बाहर की हर अपडेट पता होती है। अब सूत्रों की माने तो 26 अक्टूबर को जैसे ही राउत अपना अखबार पढ़ रहे थे तो वो अचानक पसीना पसीना हो गए और जेल में चिल्लाने लगे, जिसके बाद आसपास के सेल के कैदियों के बताने पर जेल का स्टाफ राउत के पास पहुंचा और पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, मगर राउत ने यहां पर कुछ भी कहने या बताने से इनकार कर दिया। अब भले ही राउत ने यहां पर कुछ ना बताया हो, मगर सूत्रों की माने तो राउत तब से ही बेचैन हुए हैं जब से उन्होंने अखबार को पढ़ना शुरू किया और 26 अक्टूबर को लगभग हर मराठी अखबार की हेडलाइन खबरों में महायुति गठबंधन का जिक्र था। हर अखबार के फ्रंट पेज पर शिंदे, राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की ये तस्वीर छपी हुई थी, जिसमें एक तरफ शिंदे खड़े हैं और दूसरी तरफ फडणवीस और बीच में राज ठाकरे हैं और दोनों नेता राज ठाकरे को फूलों का सजा हुआ बुके दे रहे हैं और तीनों के चेहरों पर विजयी मुस्कान है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद और खबर को पढ़ने के बाद तो संजय राउत की हालत खराब होनी ही थी। इस तस्वीर से साफ दिख रहा है कि राज ठाकरे भी अब शिंदे और बीजेपी खेमे में जा रहे हैं और आने वाले सभी चुनाव ये तीनों पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगी। ये तस्वीर इस बात का साफ संकेत दे रही है। अब संजय राउत के लिए वाकई में ये तस्वीर बेचैनी भरी है, क्योंकि अगर संजय राउत अब भी उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ हैं तो इस तस्वीर को देखने के बाद उन्हें समझ में आ चुका होगा कि अब मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत उनके हाथों में कभी नहीं आने वाली। वहीं खबरें ये भी हैं कि संजय राउत जेल से वापसी की उम्मीद राज ठाकरे से लगाकर बैठे थे। उन्हें कहीं न कहीं उम्मीद थी कि राज ठाकरे जेल से निकलने में उनकी मदद करेंगे, मगर अब राज ठाकरे तो शिंदे ग्रुप में चले गए हैं। ऐसे में संजय राउत की जेल से बाहर आने की उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है।